जाने जाना रब दा फैसला। सुनो बेबी, एक दोस्त ने लंच में इनवाइट किया, उसकी तरफ जाएंगे बच्चा। ठीक है। वाओ, यानी कि बिल्कुल सेम रिंग, यानी कि मेरी और तुम्हारी चॉइस कितनी मिलती है ना। नहीं सॉरी, मैं उतारना भूल गई हूँ माँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, अगर माँ को कोई इतराज नहीं है तो मुझे भी कोई इतराज नहीं है। ओके चलता हूँ। सीने पे लगी है जीजा जी की। तुम भी तो बच्चे जैसी हरकतें करती हो, क्या जरूरत थी मेरी रिंग पहनने की? इसमें कौन से कोहिनूर लगे हुए जो कोई पहन नहीं सकता? आप दोनों ना यहीं पे खड़ी रहे, अम्मी ने ना चप्पल उतार के हाथ में रख भी ली होगी। अरे यार तुम क्या चप्पल थेरेपी की तुम धमकियां देने लग गई हो, पहले ही दिल उदास हो रहा है। तुम्हारा दिल क्यों उदास हो रहा है? ऑब्वियसली कमरा जी वीरान वीरान सा लगने लगा जब से तुम गई हो। क्यों ज़ॉम्बी वायरस? आपको पता मुझे सही तरीके से रात को नींद भी नहीं आई थी, और मैं तो ऐसा फील कर रहा था बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे याद आया, अम्मी ने तो चप्पल फ्राई भी कर ली होगी। चलो। अरे बहन तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा घर यही है? जाओ चलो। जी चले गए आपके घर वाले फिर? सरमा, आपने वो रिंग वाली बात का माइंड किया था क्या? कौन सी बात? वो जो रिंग नेहा ने पहन ली थी। नहीं नहीं, माइंड नहीं की थी, थोड़ी अजीब लगी थी। अजीब क्यों लगा था? नेहा मेरी बहन है और हम बहने एक दूसरे की चीजें पहन लेते हैं। नहीं वो तो ठीक है, छोटी मोटी चीजें तो चलता है, लेकिन ये तो मुझे दिखाई की रिंग थी ना, ये तो सिर्फ आपके लिए थी। चीजें अहम नहीं होती, लोग ज्यादा अहम होते हैं। हाँ हाँ वो तो ठीक है, दरअसल मैं सही तरह समझा नहीं पा रहा, एजुकेशन की कमी जो है। आपकी बात में समझ भी गई हूँ और मैं आइंदा से ख्याल भी रखूंगी। और जहां तक बात रही एजुकेशन की, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। मैं? हाँ, आपने मुझसे वादा किया था ना। हाँ तो घर में पढ़ के एग्जाम दे दूंगा ना। रट्टा लगा के डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं, आप बकायदा क्लासेस लेंगे। लेकिन मेरा रेस्टोरेंट? उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। यानी कि बचने के चांसेस निश्चित? अच्छा, कोशिश करूंगा। भाई शाम को आपकी मीटिंग है ना वो साकिब साहब के साथ। शाम को तो हमें अम्मी की तरफ जाना है। देखो मीटिंग आज तुम कर लेना, अच्छे से नहा दोगे जाना, टाई लगा के जाना, डील लॉक कर लेना, ठीक है? मुझे माँ के घर जाना है वरना सीन ऑफ हो जाएगा। ओके। मेरे जूते कौन उतारेगा? मैं खुद उतारूंगा। तुम पागल हो, तुम क्यों नहीं प्रोजेक्ट लेके आए? टेंशन ना लो, लेकर आ जाऊंगा। क्या हम काम कैसे करेंगे उस पे? हाँ यार, आई विल ब्रिंग इट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे डालूंगा गाड़ी में? कैसी तैयारी चल रही है? कल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह। ग्रेट। परसों सुबह की फ्लाइट से तुम दोनों इस्लामाबाद जा रहे हो और शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हो। रिटर्न टिकट्स भी कंफर्म है। आप नहीं चलेंगे हमारे साथ एग्जीबिशन पे? नहीं, एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के साथ है। आदम, कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम हियर। नो थैंक्स। नेहा तुम आओगी मेरे साथ? जरा कुछ बात करनी है। क्यों, खैरियत? हाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात है। आदम आई एम सॉरी, तुम्हारी पार्टनर को थोड़ी देर के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर। राइट। मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर हूँ इसकी। बेटा तेरे बुरे वक्त चल रहे हैं, सदका दे। घर पे तो माँ ने भाई पे कब्जा किया हुआ है, यहाँ न्यू रोमियो आकर मेरा प्रोजेक्ट भी खराब कर रहा है। या तो तुम अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो ना। कोई फोकस नहीं कर पा रहा यार, वो दोनों जाकर मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर काम कर रहा हूँ।
वैसे तुझे इतना बुरा क्यों लगता है कि वो उस टाइम पीस के साथ फिर रही है? पता नहीं यार, यकीन मान तू अभी साइको लग रहा है। उन दोनों बहनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सर क्या? तीनों ने खराब कर दिया है। जी सर, ओके सर, जी मैं आ रहा हूँ। यार एक बात बता, तुम इतना बावला क्यों जाते हो सर कुतुब के नाम पर? इज्जत करता हूँ, मुझे पता है। यकीनन अब उनके दरबार में जा रहे होगे अपनी हाजिरी देने। हाँ, तो तुम इधर ही बैठो, मैं आ रहा हूँ। यार मैं इधर ही क्यों बैठूंगा यार? वो यार इधर आओ यार, मेरी बात तो सुनो। देखो निया, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मोहब्बत शोहबत मुझे सब किताबी बातें लगती हैं। मैं समझी नहीं आपकी बात को। बात यह है कि यू नो, मेरे पापा ने तुम्हारे लिए बात की है अंकल कुतुब से। जी, अब्बा ने बताया था रात। तो फिर तुमने क्या कहा? जो उनको मुनासिब लगे वो देख लें। गुड, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उससे पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें, देख लें। क्या मतलब? देखो नेहा, तुम एक अच्छी और ब्रिलियंट लड़की हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तुम किसी के लिए भी एक परफेक्ट पार्टनर हो सकती हो। जानती हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये भी जान लो कि मैं एक बहुत कैलकुलेटेड और टू द पॉइंट चलने वाला इंसान। तो उसमें गलत क्या है? मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, फिर कोई फैसला करें। आप देख लें और परखें, लेकिन मुझे अपने अब्बा पे ट्रस्ट है, एंड आई एम श्योर वो मेरे लिए जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही होगा। बस ये साबित हुआ कि मशरी की लड़की चांद पर जाने का फैसला तो खुद से कर सकती है, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का फैसला नहीं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तुमसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चांद या मरीख पर जाने से पहले भी हर लड़की अपने पेरेंट्स से जरूर परमिशन लेती है, क्योंकि ये हमारी तरबियत और खानदानी रिवायत है, और इससे हमें प्यार है। I respect that. लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और टाइम लो और सोच लो। Okay. Thank you. अब कम कम। ओके, थैंक यू, लव। थैंक यू। किधर? आदम कहाँ है? क्लास में गया है उमर के साथ। इस वक्त कौन सी क्लास है उस अब्बा के चमचे की? छोड़ यार, पागल है। सो तुम कहाँ जा रही हो? मैम शहनाज ने बुलाया, अब तक नहीं कोई मीटिंग है। चलो ओके बाय। देखो आदम, इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं सारम पर कैसे नजर रखूंगा? देखो उसका रूटीन चेक करो, ठीक है? हाँ। उसके दोस्तों का पता चलाओ, उनसे पूछो। मैं फाइनल डिसीजन लेने से पहले कुछ तसल्ली करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। नेहा से पूछा आपने? नेहा को कोई एतराज नहीं है। क्या हो गया? ये लो पानी पियो, पानी पियो। थैंक यू। क्या हुआ, गले में कुछ अटक गया है? कुछ नहीं सर। अच्छा देखो सरमत तो मेरी आंखों के सामने पला बड़ा बच्चा है, लेकिन सारम के बारे में मैं कुछ जांच पड़ताल करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज नो, तुम लेहा को लेकर घर जाओ, मेरी डीन के साथ अभी एक जरूरी मीटिंग है, ठीक है? लेट मी फाइंड आउट कि वो है किधर, फुदकती फिरती है पता नहीं। ओके सर। हेलो, हाँ नेहा, तुम्हारी अम्मा ने माहा सरमत को खाने पे बुलाया है, फौरन घर जाओ आदम के साथ, वो आ रहा है तुम्हें लेने, हिलना नहीं अपनी जगह से। ओके
शी इज वेटिंग. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. ये कुर्सी उठाकर ना तेरा सर फाड़ दूंगा. अब देख ये फनी बात नहीं है कि सर कुतुबुद्दीन के होने वाले दामाद पर नजर रखने को कह रहे हैं. हालांकि मेरी नजरें उनकी बेटी पर हैं. क्या कहा तुम? नेहा कुतुबुद्दीन पर नजर रखे बैठे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? क्या? हाँ हो गया. पता नहीं क्या बस दिल नहीं मान रहा कि वो कहीं दूर चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी. तो यहाँ जाओ जाके इजहार करो अपने प्यार का. नहीं यार मेरी इज्जत का फलूदा बनाकर रख देगी. सारी रात एक टांग पर खड़ा रहूं ना फिर भी नहीं मानेगी मैं उसे प्यार करता हूं. तुम लोग क्या चूहों की तरह छुप कर बैठे हो? चूहे जहां भी छुप जाए ना बिल्ली तलाश कर ही लेती है. बहुत कुछ ठंडी चुपते मारने लग गए तुम. क्या करूं मेरे क्लास फेलो की सोबत की असर है. तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? घर चलो, माँ और सरमद भाई को अम्मी ने खाने पे इनवाइट किया है. इसको इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि ये खाना बनाए या आज दामाद जी खाना बनाएंगे लंच. खाना जो भी बनाए तुम्हें ना ही बिल देना है और ना ही तुम्हारा से कोई लेना देना है. इसीलिए बिल्ली की तरह दूध कढ़ाई पर नजर जमाना बंद कर दो. एक तो तुम जरा सी बात पर चने की झाड़ पर क्यों चढ़ जाती हो? मैं जहाँ भी चढ़ू या उतरू तुम इससे मतलब इंग्लिश में पता तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं none of your business. चलो नेहा. चलो मैं भी चलता हूँ. तू इधर ही बैठ. खाली क्लासरूम में मतलब मुझे किस बात की डरने का? ऐसे तो नहीं कि कोई चुड़ैल आ जाएगी. ओ चुड़ैल तो उसके साथ चली गई. अपनी जबान में समझा लो अपने उस दुम छले को. मेरे मुंह मत लगा करे. समझा दूंगा. हर जगह देखो ट्रैफिक साइन के सामने खड़ा हो जाता है. उसे इग्नोर करो. उसे इग्नोर तो मैं ऐसा करूंगी कि उससे नफरत हो जाएगी अपने आप से. अब बाय द वे तुम्हारी जबान में क्यों कील गिर गए? वो प्रोजेक्ट का क्या करना है? घर जाके सर का पाएंगे प्रोजेक्ट पर. क्या हुआ तुम्हारी ट्यूबलाइट क्यों बुझ गई? बताओ कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? गाड़ी की चाबी दो. देखो गाड़ी की चाबी हो या दिल की, आंख में आंख डालकर मांगनी चाहिए. चाबी दोगी या मैं चला जाऊं? अब आए ना तुम सर में. ये लो. हेलो गाइस, तो आज हो रहा है दद्दू हैंडसम के घर में दामाद जी का लंच. और मजे की बात यह है कि ये लंच दामाद जी खुद तैयार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी बहू की कुकिंग पे एतबार नहीं है और वो अपने हाजमे के बारे में किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो शौक से करता हूं दद्दू. बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी दामाद जी. और आज मैं आपको यह बताता चलूं कि दद्दू हैंडसम ने एक टैबू और तोड़ दिया, यानी ससुराल वाले ही सिर्फ दामाद की खिदमत क्यों करें? यह फर्ज तो दामाद जी भी कभी कभी अदा कर सकते हैं, यानी ससुराल वालों की खिदमत करने में कोई बुराई नहीं है. ओके गाइस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. मुझसे नहीं हो रहा है ये, पता नहीं कैसे आप फूल बनाते हैं सब्जियों के. तो महा मैं हूं ना, मैं कर दूंगा. फूल नहीं, फूल बना रही है दामाद जी. ये 4 साल पहले इसने बनाया था एक टेढ़ी पत्तियों वाला गुलाब टमाटर. दद्दू आप ना गलत बयानी कर रहे हैं, वो मैंने नहीं नेहा ने बनाया था. हाँ ना सरमद बेटा, वो इसके बाप को ये मत बताना कि खाना तुमने बनाया था वरना मेरी शामत आ जाएगी. बताने की क्या जरूरत है अम्मी, उन्हें ना पहले निवाले से पता चल जाएगा. फिर भी तुम अपनी जबान बंद रखना. आंटी आप थकती नहीं है अंकल से बातें छुपा छुपा के? अरे बातें थक गई हैं, अब आखिर में ऐसा क्या है जो हमें हर एक से छुपाया जाता है. मामू मामू चुप. सरमद वो डाल दो इसमें हरा धनिया सारा मसाला वगैरह.
नहीं 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 अब सबसे एंड में डालेंगे। बेवकूफ लड़की। खाना खास्ता उसने सुन तो नहीं ली मेरी और उमर की बातें। नहीं 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 अगर सुनी होती तो यूं भंगड़ा ना डाल रही होती बल्कि तबला बजा रही होती वो भी मेरा। Grandson, handsome type thing. तारीफ कर रही है तो जरूर कोई काम होगा। फेवर चाहिए था। हाँ? फेवर चाहिए? हाँ, देखा? फरमाइए। वो तेरा फ्रेंड है ना ओम मुख्तार, है ना? उसका रिश्ता विश्ता हुआ कहीं? नहीं क्यों? अच्छा तो फिर उसे क्या तैयारी पकड़ ले मिलियनियर बिलियनियर ट्रिलियनियर करोड़पति मरोड़पति की बेटी का रिश्ता है लैंड क्रूजर देंगे सलामी पर वाली लालची नहीं है वो। हाँ तो उसे को अल्लाह वास्ते कर ले सवाब की नियत से। सवाब किस चीज का? वो इंतहाई छोटा सा मसला है लड़की में इतना सा वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। तो क्या? अब भाई अखाड़े में कुश्ती कर रही थी सुरैया ने पटक दिया टांग पे चोट लग गई लड़की की चाल खराब हो गई वो हमेशा के लिए। मैम मेरे दोस्तों को ना अपने बिजनेस से दूर रखें और किसी इम्तिहान में ना डाल और उमर को भूल जाए। उमर को तो भूल जाऊं लेकिन 5 लाख को कैसे भूलूं? प्रॉफिट में लॉस हो गया हाँ नहीं तो मोहब्बत हो गई अब्बा के चमचे को मुझसे। क्या वाकई तुमसे? हाँ सोचो इतना बुरा वक्त भी आना था मुझ पर। मजाक तो नहीं उड़ाओ। तो क्या उड़ाऊं चील और कब्बों को उड़ाऊं? कुछ और नहीं बिगाड़ सका तो मोहब्बत को बीच में घसीट लिया उसने। हो सकता है वो सीरियस हो दिमाग गिरवी रख दिया क्या? हाँ मोहब्बत है कोई बुखार तो नहीं है इन्फेक्शन की तरह ऐसा ऐसा हो जाए। कुछ बदला सा तो लग रहा था मुझे। जाके अपने आईसाइट चेक करवाओ और वैसे भी मोहब्बत दुनिया की सबसे बेकार चीज होती है। नेहा अगर वो वाकई सीरियस हुआ तो मेरी बला से मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मोहब्बत वोब्बत में। जिंदगी में और भी काम होते हैं इसके अलावा। आजमा कर देख लो। आजमाए देखो दोबारा आजमाया नहीं जाता लेकिन हाँ तड़पाया जरूर जाता है। तुम्हारी हंसी देखे ना मुझे बहुत बुरी वाइब आ रही है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आदम बहुत हम्बल है। हम्बल नहीं जंबल इंसान है वो। अब उसकी बैंड मत बजा देना तुम। नहीं नहीं बैंड तो नहीं बजाऊंगी डफली बजाऊंगी। अम्मी बुला रही है जल्दी से आ जाए। आ रहे हैं। अरे नेहा चैंपियन जाके देखो दामाद जी को और कितनी देर लगेगी। दद्दू बस तैयार होने ही वाला है। लगता है तुम्हारा चंगेज खान बाप आ गया। जाओ जाके दरवाजा खोलो नेहा। अरे ज़ॉम्बी वायरस खोल देगी। नेहा चली जाओ इससे पहले कि तुम्हारा बाप आके तुम्हें ज़ॉम्बी बना दे। हाँ ऐसे खोल ही आऊं वरना 1 घंटा लेक्चर मिलेगा सुस्ती और काहली पर। मैं सरमत को देख के आती हूँ। मोहब्बत बाबत तो नहीं होगी तुम्हें ये जो तुम मुखलाए फिर रहे हो? नहीं तो ब्लश भी कर रहे हो कहीं अपनी प्यारी भाभी का ब्लश चुरा कर तो नहीं लगा लिया तुमने? फजूल बातें मत करो। आंखें भी चुरा रहे हो इसे क्यूट लग रहे हो। तुम किस खुशी में वो मुनवा कर रही है? क्यों ना करूं इतनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ है मेरा। वो कौन से मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चराग है? आंखें देखी तुमने उनकी एकदम चमकती रोशन और जहानत से भरपूर। मुझे उसके मुंह पर ना वॉल क्लॉक के सिवाय कुछ नहीं नजर आता। मेरा दिमाग ना इस वक्त कोई अननोन सिग्नल्स कैच कर रहा है जेलेसी के। तुम अपने ना टावर ठीक कर लो फिर। प्रोजेक्ट निकाला तुमने गाड़ी से? नहीं। हाँ हाँ कभी हाँ कभी ना किन सोचो में घूमो तुम बताओ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रात 8 बजे हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल करके तुम्हारे वो सारे सर को वीडियो भेजनी है ठीक है कल इस्लामाबाद की फ्लाइट है। चलें। चलो चलो। भाई दामाद जी इस शादी से हमें एक फायदा जरूर हुआ। क्या दादू? सरमत के चटखारे के शेफ की सर्विसेज फ्री मिल जाया करेंगी अब हमें।
अरे एनी टाइम दर्ज। तो ऐसा कर लेते हैं ना कि आदम भैया की नेहा बाजी से शादी करवा लेते हैं ताकि सारे रेस्टोरेंट हमारा हो जाए। अब साशा तमीज। सलाम अलैकुम। सलाम। सर की कीज। तो क्या तुम्हारे सर अब चाबी से चलना शुरू हो गए? नहीं मतलब गाड़ी की कीज। अच्छा बेटा बड़े टाइम से आयो, खाना लगने ही वाला है, खा के जाना। अब सॉरी आंटी थोड़ा बिजी हूँ, वो वैसे भी प्रोजेक्ट का काम है और हमने इस्लामाबाद भी जाना है। अरे काम तो चलता रहेगा, क्या हो गया? नहीं भाई मैं चलता हूँ। तुम लोग का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? बस दिमाग से लेकर दिल तक पहुँच गए। दिल तक क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मेन काम खत्म हो गया, बस अब पैचवर्क बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ मैं समझा शायद कोई कनेक्शन हो गया दिल से दिल का। मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम मुझे हेरा के घर छोड़ दोगे? अभी तो यूनिवर्सिटी से आई हो, क्या करने जाओगी उसके घर? अभी अभी याद आया, प्रोजेक्ट की कुछ चीजें लेनी है उसके घर से। अब लेकिन मेरी तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है 5 बजे, गाड़ी घर पर होनी चाहिए। हाँ तो कोई मसला नहीं है, दद्दू की बसंती को ले जाएंगे। बसंती भी तो कभी नहीं जाएगा ये। नहीं जाओगे? मैं चला जाऊंगा। यहाँ चारों फुल और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध के बैठना मेरी बस पर। हाँ हाँ जरा बसंती का ख्याल रखे। अच्छा चल चले। हाँ मैं बस अभी आती हूँ। आपकी कुकी की खुशबू मुझे बुला रही है, मैं हो क्या है? कितना वैसे मजा है इसके हाथ में। नेहा तुम उसे झूठ बोलकर लेके जा रही हो ना? कहता था जहर लगती है मुझे बसंती, ये भी कोई इंसानों के बैठने वाली सवारी है भला? और तुम उसे उसी पे बिठा कर लेकर जाओगी? अरे मेरी प्यारी बहना यही तो जिंदगानी का मजा है, आगे आगे देखो होता है क्या। यह पागल नहीं बनो, तुम्हारी सारिम से बात चल रही है। तो मैंने इनकार थोड़ी किया है। सबसे बता कौन सी नई गेम खेल रही हो तुम? अच्छा और जितने ओलंपिक्स उसने जीते अब्बा की मोहब्बत के उसका क्या? अब तुम इन चीजों का बदला लोगी उससे? नहीं मैं तो बस अपने हाथ में खुजली कर रही हूँ, और तुम्हें तो पता है जब नेहा के हाथ में खुजली हो तो नुकसान किसी और का ही होता है। मैं अभी जाकर आदम को बताती हूँ। अरे अब्बी से प्यारी भाभी दर्द जाग गया अपने देवर की मोहब्बत का? देखो तुम्हें कसम है तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलना। डरो उस वक्त से जब तुम्हें भी आदम से मोहब्बत हो जाएगी। ये क्या मोहब्बत मोहब्बत की बातें चल रही है? तुम क्या बकवास कर रही थी बाहर? हाँ कि आदम भाई और नेहा भाजी की शादी हो जाए, कि तुम बहन हो या डाइन? अब तो अल्लाह करे हो ही जाए। सर्विस वाली फील देना शुरू कर दिया, थोड़ा तेज चलाओ, कर जाके प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। तेज चलाओ ना, इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। अरे तुम वेस्पा रोको। क्यों? मैं चलाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तेज चलाओ। ये सामने जो गली दिख रही है ना, वहाँ से राइट मुड़ना है। लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 आदम लेफ्ट। अल्लाह तुमसे तो काफी बेहतर मैं चला लेती हूँ। ये वाली गली बस बस यहाँ रोक दो। चल तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी लेके आती हूँ।
नेहा की बच्ची कहाँ रह गई हो तुम? तुम्हारे बाप के सामने झूठ बोल बोल कर मेरी तो जबान काली हो गई है। क्या क्या हुआ, अब आ गए? हाँ ना, पिछले 2 घंटों में 4 बार पूछ चुके हैं मुझसे। और शुक्र करो तुम आदम के साथ गई हो, वरना ठीक ठाक सर्विस होती तुम्हारी। अच्छा आ रही हूँ मैं। नेहा की बच्ची, इससे पहले वो वहाँ इंतजार करते करते फौत हो जाए, चली भी जाओ। ठीक है, बाकी फरना कल कैंपस में करते हैं। चले। सॉरी थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके। चले। हाँ, वो चीजें क्या हैं जो लेने गई थी? कौन सी? हाँ वो भिजवा देगी। चलो। ओके। क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही? मैं हेल्प करूं? नहीं नहीं। पक्का? जी। आंटी आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं बेटा, थैंक यू। अम्मी आप क्यों साफ कर रही हैं? महापी को कहना, उन्होंने गिराया है। बेटा भूल गई होगी ना। अम्मी गोल्डफिश आप हैं, वो नहीं है। बुरी बात, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। अच्छा आप मुझे नूडल्स तो बना दें। हाँ श्योर, लो आ गया ना। ये कौन सा टाइम है चाय का? माँ तुम्हारे लिए चाय बना के लेके गई है। माँ ऊपर? सी यू। अच्छा बताओ क्या डालूं तुम्हारी नूडल्स में? चिकन, प्रॉन, बीफ? कोई भी। गुड, चलो तुम्हें मजेदार सी नूडल्स बना के खिला दूं। क्या याद करो। Pick up. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जन्नतुल मकाम। वालेकुम अस्सलाम नेहा, तुमने 10 बजे मुझे प्रोजेक्ट का फाइनल लुक शेयर करना, तो टाइम देखो अभी। कैसे शेयर करती, 10:01 पर तो आपने कॉल कर ली। अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद करता हूँ, तुम मुझे व्हाट्सएप करो। ओके अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे 10 मिनट दे दें क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ना वो आदम के घर पे है। वाह मसीह, 10 मिनट। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ओके वेट कर रहा हूँ। नेहा उस्ताद, इसे 50 मिनट का टाइम दो वरना 10 मिनट 1 सेकंड बाद फोन खड़का देगा तुम्हें। ये इतनी वक्त की पाबंदी कौन करता है? प्रोफेसर जाबिर का हर दिमाग बेटा, यानी सारिम बिन जाबिर। अब रुक जाए, मैं अब आदम से पिक्चर्स मंगा लूं, वरना 10 मिनट में वो खुद यहाँ पहुंच जाएंगे प्रोजेक्ट का मुआयना करने। अरे जाकर चेक करो, गेट पे ही खड़ा होगा पहले ही। अभी ये अकेले अकेले क्यों? नेहा को बुला लो ना। वो मैं कर लूंगा खुद। तो प्रोजेक्ट उसका भी तो है। हाँ लेकिन वो प्रेजेंटेशन पर काम कर रही है। ओके वैसे इसमें नींबू पानी बनता है क्या? ओके चलो अंदर। जबरदस्त लुक तुमने निकाली है प्रोजेक्ट की। पसंद आए? हाँ। वो सारे कॉल कर रहे हैं। पहले उससे फारिग हो जाओ फिर मुझे देखना।
प्रोजेक्ट देख लेना, मतलब मैं अभी पिक्चर्स बना लेती हूँ ना। नेहा तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? वो मैं प्रोजेक्ट के पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के लिए आई थी, टीचर को भेजने हैं, वक्त के पाबंद है वो थोड़े। तो बेटा तुम लोग भी वक्त की पाबंदी करो, देखो क्या वक्त हो रहा है, सुबह फ्लाइट भी है तुम दोनों की। जी जी, बस मैं ये एक वीडियो बना लूं फिर भेजा रही हूं। सरमत बेटा ये लो दूध। थैंक यू खाला। जल्दी जल्दी काम खत्म करो फिर सो जाओ। चलो डन, ओके थैंक यू, बाय बाय। देखो गाड़ी की चाबी हो या दिल की, आंख में आंख डालकर माननी चाहिए। कोई मोहब्बत वोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें ये जो तुम मोकलाए फिर रहे हो? ब्लश भी कर रहे हो, आंखें भी चुरा रहे हो, इसे क्यूट लग रहे हो। प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? बस दिमाग से लेकर दिल तक पहुंच गए। अरे भाई नेहा को बुला, उसकी फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ हाँ मैं जाकर देखती हूँ। देखती हूँ वो, मैंने फोन कर दिया अपने दोस्त को, वो एयरपोर्ट आ जाएगी गाड़ी लेने। जी सर। अच्छा और फ्लाइट से 2 घंटे पहले लेकर पहुंच जाना उसे एयरपोर्ट। जी सर। फाइन गुड। नेहा तुम आ रही हो या मैं अकेले भिजवा दूं आदम को? आ गई अब्बा आ गई।